पोको की तरफ से ये है पोको एक्स फोर प्रो, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के स्मार्टफोन बोल सकते हैं। पोको एक्स थ्री प्रो की सक्सेसर भी, मतलब सक्सेसर नहीं है बट उससे थोड़ा सा एडवांस आप बोल सकते हो। तो क्या चीज़ यहाँ पर आपको एडवांस देखने को मिलता है? एंड बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह भी देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं क्या एडवांटेजेस देखने को मिलता है, क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, क्या प्रोज क्या कॉन्स, सारी चीज़ बात करेंगे। तो आई होप वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करते हैं पोको एक्स फोर प्रो के बारे में। तो यहाँ पर अगर बात करें डिजाइनिंग के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटर में पॉन्चोल नॉच देखने को मिलता है, बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है एंड यहाँ पर आपको एक्स फैक्टर जैसे देखने को मिलता है बैक साइड का डिजाइन, मतलब एक्स कुछ ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिजाइन बैक साइड में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स लिखा हुआ दिखेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ एमोलेड डिस्प्ले एंड यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 360 हर्ट्ज की यहाँ पर आपको टॉच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज टॉच सैम्पलिंग रेट जो कि स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है विथ एमोलेड डिस्प्ले के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इसको आप प्रोस में ले सकते हो। उसके साथ साथ रैम एंड रोम वेरिएंट की अगर बात करें, तो ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट रैम एंड रोम में आने वाला है जो कि 664, 6128 एंड 8128 जी वाली वेरिएंट। वैसे इसको आप कौन से में ले सकते हो जो 664 जी वाला वेरिएंट है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी मेमोरी कार्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, 64 जीबी रैम सपोर्ट दिया गया। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हो। एंड रैम एंड रोम टाइप की अगर बात करें, तो LPDDR4X एंड EOPS 2.2 की यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों बढ़ते आएगा और बात करते हैं तो कनेक्टिविटी एंड सेंसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है एंड बाकी जितने भी सारे सेंसर्स वगैरह है सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते आएगा और बात करते हैं स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो कैमरा देखने को मिलता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है मेन कैमरा जो कि एक बहुत ही अच्छा कैमरा भी बोल सकते हो। लाइक अभी सारे स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा ही देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको OIS की सपोर्ट भी देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। वैसे 2 मेगापिक्सल की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वैसे कैमरा 64 मेगापिक्सल में अच्छा खासा ले पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सेल्फी की बात करें, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वैसे इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, मतलब ये स्मार्टफोन जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, लाइक कि 18,000 19,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, तो 16 से थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 16 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ भी आप अच्छा खासा सेल्फी ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि MIUI 13 के ऊपर चलता है, जिसमें सारे के सारे बहुत सारे बॉक्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर भी आप बोल सकते हो। मतलब अभी बजट में जितने सारे स्मार्टफोन आते हैं, इस प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 695। तो अच्छा है एंड बुरा भी थोड़ा है, क्योंकि बुरा इसलिए है क्योंकि स्मार्टफोन मतलब इस प्रोसेसर के साथ आप कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट देखने को नहीं मिले। मतलब अगर 695 प्रोसेसर कोई भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इस प्रोसेसर में आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है बट स्मार्टफोन में नहीं, प्रोसेसर में देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर हटा दिया तो स्मार्टफोन ओवरऑल अच्छा है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर गेमिंग के बारे में बात करें, तो अच्छा खासा गेमिंग कर पाए, कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो बैटरी ऑब्वियसली सारे स्मार्टफोन में 5000 mAh की देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है बट इस स्मार्टफोन में आपको जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, लाइक 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा हायर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि 67 वाट की। तो मेरे हिसाब से ये भी जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है एंड कैमरा वगैरह सारे अच्छे देखने को मिलता है, लाइक 64 बट यहाँ पर आपको 4K की सपोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं एंड उसके साथ साथ MIUI 13 देखने को मिलता है, जिसमें बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बक्स ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था इस प्राइस रेंज के अंडर,
फिर भी बस इतना ही यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज को देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें, 64 GB वाले वेरिएंट की प्राइस हम आपको देखने को मिल जाते हैं 18,999 रुपये एंड 6128 GB वाले वेरिएंट की प्राइस हम आपको देखने को मिल जाते हैं 90,099 रुपीज़ एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो 8128 GB वाला वेरिएंट है इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 21,999 रुपीज़। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाते हैं पोको एक्स फोर प्रो की प्राइसिंग। बट मेरे हिसाब से प्राइसिंग थोड़ा सा ठीक ठाक है इस मतलब सारे चीज़ जो दिए गए, बस छोटा मोटा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वैसे आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड आपको क्या और ज़्यादा प्रॉब्लम लगा स्मार्टफोन में ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, स्मार्टफोन में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो आइए अब दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ज़्यादा से शेयर करें।